कांग्रेस के अहम विंग यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से लगभग 10 से जो ज़्यादा उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ राहुल गांधी की 1-to-1 मीटिंग भी हो चुकी है बीते 1 तारीख को। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले के प्रेमनगर की, जिन्होंने सरगुजा लोकसभा सीट की उम्मीदवार भी रही और कांटे की टक्कर देते नजर आई थी भाजपा प्रत्याशी को, ये वही शशि सिंह हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये सबसे कम उम्र की युवा हैं, नेत्री हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने राष्ट्रीय सचिव का भी फिलहाल कांग्रेस में कमान संभाला हुआ है और युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। राहुल गांधी के साथ इनकी 1-to-1 भी हो गई, अब ये सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चल रहा है, और सबसे बड़ा चीज़ कि आदिवासियों का चेहरा भी है, आदिवासियों के जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ से 3 लोगों का भी 1-to-1 हुआ राहुल गांधी जी के साथ में, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवा चेहरे के रूप में शशि सिंह की अपनी अलग पहचान बनी हुई है। वहीं खुद शशि सिंह हमारे साथ मौजूद है। दीदी, अब आपके यहाँ का नेतृत्व हर किसी ने देखा है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी दौड़ में आप हैं, क्या बोलेंगे जी? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को धन्यवाद देना चाहूँगी, राहुल गांधी जी को, कृष्णा सर जी को, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर पे मुझे डाला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ संगठन को। गर्व की बात है कि मुझे उन्होंने चुना है। बनूँ ना बनूँ मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन हाँ मुझे गर्व है कि उन्होंने मुझे चुना भी। एक जो लगता है कि इतने युवाओं के बीच में पूरे देश में कांग्रेस के बहुत बड़ी विंग है यूथ कांग्रेस, एक सबसे बड़ी बात इम्पैक्ट किसे मानती है? एक आपका भारत यात्रा सरगुजा में लोकसभा सीट में कांटे की टक्कर देते आप नज़र आई थी, इम्पैक्ट क्या रहा इस दौर तक पहुंचने में? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बहुत बारीकी से देखती है। इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव को ही मान सकते हैं, यात्रा को ही मान सकते हैं। राष्ट्रीय सचिव हूँ, ट्राइबल महिला हूँ, काफ़ी सारे चीज़ इसमें आ रहे हैं, तो सब चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे एक दावेदार के रूप में सोचा। लगता है कि एक आदिवासी आज नेतृत्व में, जब भी आदिवासियों की बात होती है केंद्रीय नेतृत्व भी की भी निगाहें होती है कि हमको आदिवासी नेतृत्व, और युवाओं में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, कुछ फीडबैक आ रहा है युवाओं से, आपके क्षेत्र के युवाओं से? जी हाँ, पूरे देश भर से बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है, क्योंकि जब मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूँ तो देश के लोग भी कई लोग पहचान चुके हैं, तो वहाँ से तो बहुत अच्छे सुनने में आ रहा है। और छत्तीसगढ़ के युवा तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, स्पेशली मेरे सरगुजा के युवा साथी बहुत ज़्यादा उत्साह है। उन लोग का उम्मीद है कि दीदी आप बनकर आओ, लेकिन संगठन जो निर्णय लेगी हम उस पर चलेंगे। राहुल जी से जब 1-to-1 बात हुई तो कुछ ऐसा रहा कि कुछ जमीनी स्तर की कुछ बातें हुई या फिर कुछ विशेष ही रहा? जी, बातें ऑल ओवर हर चीज़ का हुआ है, मैं आप सबसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन राहुल जी जमीनी स्तर से लेकर देश की स्थिति से लेकर सारी चीज़ में बातें रखी गई। तो ये थी युवा नेत्री शशि सिंह, खासकर सूरजपुर की पहचान भी है। ऐसे में अब कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे हैं और यहाँ के युवाओं में बेहद खुशी है, और इनका भी दावा है कि पार्टी इनको जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगी उसको ये बखूबी निभाएंगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर।